Placenta. Today I will discuss about the placenta, amniotic fluid, umbilical cord in a simple and easy way. So let's start. And before starting this video, please like and subscribe to my channel for next videos. Placenta. What is placenta? Human placenta is hemochorial, discoid and decidua. These three words are so important. Which is hemochorial, discoid and decidua. Okay, so हम इसे कैसे याद कर रखे? Simple सी mnemonic है कि H D square. High definition होता है ना जैसे TV. तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि H D square. H is from hemochorial, D for discoid and D for decidua. Why it's called hemochorial? As we all know, hemo means blood and chorial is the layer. So ये chorial layer कौन सी है? ये मैं आपको आगे बताऊंगा. अभी हमें सिर्फ ये याद करना है कि इट्स कॉल्ड हीमोकोरियल बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ कोरियन विद द मैटरनल ब्लड एंड इट्स कॉल्ड डिस्कॉइड बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड इट्स कॉल्ड डेसिडुआ एज वी ऑल नो डेसिडुआ इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन सो इट इज कॉल्ड डेसिडुआ बिकॉज सम मैटरनल टिश्यू इज शेड एट पार्चुएशन एंड नाउ इट्स डेवलपमेंट How the development of placenta occur. So the placenta is developed from the two sources. The primary component is fetal. Okay. The primary and the principal component is fetal, which develop from the chorion fundosum. हम ऐसे याद कर सकते हैं F से fetal and F से fundosum. तो fetal जो component होता है वो किससे develop होता है? Fundosum से. कौन सा fundosum? Chorion fundosum. अब ये chorion क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा. अभी सिर्फ हमें ये याद करना है कि fetal develop from the chorion fundosum and the maternal component develop from the decidua basalis. Okay? The maternal component जो mother side वाला component होगा वो किससे develop होगा? Decidua basalis से. Okay? सो ये मैंने कंक्लूजन लिख दिया है कि फीटल कंपोनेंट डेवलप फ्रॉम द कोरियन फंडसम एंड द मेटरनल कंपोनेंट डेवलप फ्रॉम द डेसिडुआ बेसेलिस ओके इट मींस दीज टू दैट इज कोरियन फंडसम एंड डेसिडुआ बेसेलिस फॉर्म द प्लेसेंटा ये दोनों कोरियन फंडसम एंड डेसिडुआ बेसेलिस क्या फॉर्म करते हैं प्लेसेंटा को और इट बिगेन एट सिक्स वीक एंड कंप्लीटेड बाय द ट्वेल्थ वीक ठीक है जो प्लेसेंटा का जब फॉर्मेशन होता है वो कौन सी वीक से स्टार्ट होता है सिक्स्थ वीक से और कब कंप्लीट हो जाता है ट्वेल्थ वीक में कंप्लीट हो जाता है अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा इज सर्कुलर एक सर्कुलर डिस्क होती है विद डायमीटर ऑफ 15 टू 20 सेंटीमीटर ओके एंड इट्स थिकनेस उसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है 3 सेंटीमीटर स्पॉन्जी होती है जब हम फील करेंगे तो स्पॉन्जी होगा एंड इट्स वेट इज 500 grams. It means 1/6 of the normal baby weight. Means जो normal baby का weight होता है वो 3 kg. Means 3000 gram होता है. तो उसका 1/6 कितना होगा? 500. तो इस ये होएगा 1/6 of the weight of the baby. And जो placenta की surface होती है, वो दो surface होती है. एक तो fetal surface, ठीक है? जो fetus के side face करेगी, वो किससे? And second is maternal. मैटरनल सरफेस जो कि मैटरनल साइड मतलब मदर साइड फेस करेगी तो जो फीटल सरफेस है फीटल सरफेस कवर विद द एमनियन तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फीटल की जो फीटल साइड पे जो पहली लेयर होगी उसे हम बोलेंगे एमनियन विद उसमें क्या अटैच होगा अम्बिलिकल कॉर्ड और सेंटर पे अटैच होगी ठीक है उसके बाद है मैटरनल मैटरनल सरफेस मदर की साइड अटैच होगी वो बहुत स्पॉन्जी और रफ होगी विद डल रेड कलर क्योंकि मदर साइड पे ब्लड होता है तो कौन सा कलर होता है डल रेड कलर की ये वाली सरफेस होगी मैटरनल सरफेस ओके अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अब स्ट्रक्चर देखने के लिए हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि दिस वन इज द अम्बिलिकल कॉर्ड ये जो हमें दिख रहा है ये है अम्बिलिकल कॉर्ड और इस पे हमारा फीटस जुड़ा हुआ रहता है ठीक है ये हमारा क्या रहता है फीटस जुड़ा हुआ रहता है तो इस फीटल की साइड पे पहली लेयर कौन सी होगी जैसे हमने पीछे बताया एमनियन ठीक है तो ये देखो ये जो ब्लू ब्लू हमें दिख रहा है ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर है एमनियन क्योंकि ये फीटल साइड पे ठीक है उसके बाद जो ये है ये इसकी लेयर हम कैसे याद करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा और हमें अभी ये अभी देखना नहीं है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बताऊंगा कैसे याद करना है ठीक है उसके बाद ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो कि किससे जुड़ी हुई रहती है फीटस से इसमें कितनी इसमें दो आर्टरीज और एक वेन रहती है ठीक है और हमें पता है कि जो आर्टरीज है वो यहाँ पर इसमें इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी
और जो वेन है, जो एक वेन है, वो कैसा ब्लड कैरी करेगी? वो प्योर ब्लड कैरी करेगी। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड की, जो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो आर्टरीज रहती है, दो आर्टरीज रहती है और एक वेन रहती है, तो जो दो आर्टरीज है वो कौन सा ब्लड कैरी करेगी? वो कैरी करेगी इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। और जो वेन है वो कैरी करेगी प्योर ब्लड, ठीक है। तो ये है, अब हम आगे देखेंगे इसका। उसके बाद लेयर्स ऑफ प्लेसेंटा, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, जो लेयर्स है वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो हमारी छह लेयर होती है प्लेसेंटा की, एमनियन, मेसोडर्मल लेयर, एट्रोफिड ट्रोपोप्लास्ट, डेसिडुआ कैपुलरिस, डेसिडुआ पेरिटेलिस एंड यूट्राइन मसल, ठीक है। तो ये छह लेयर है, ये आप देख सकते हैं इसमें इमेज में। सबसे जो आउटर है वो एमनियन, एमनियन मतलब जो कौन से साइड पे होगी, फीटल साइड पे होगी। उसके बाद मेसोडर्मल लेयर, फिर एट्रोफिड ट्रोपोप्लास्ट, डेसिडुआ कैपुलरिस एंड डेसिडुआ पेरिटेलिस, फिर यूट्राइन मसल। अब हम ये कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए एक निमोनिक्स है। ये निमोनिक्स क्या है कि अ मैन एंड डैड डिड ऊबर, एक आदमी और डैड खड़े थे वहाँ पे, उन्होंने क्या करी? ऊबर करी। फ्रॉम ए इट्स एमनियन, एम इज मेसोडर्मल लेयर, ए इज एट्रोफिड ट्रोपोप्लास्ट, डी इज डेसिडुआ कैपुलरिस, डी इज डेसिडुआ पेरिटेलिस एंड यू इज यूट्राइन मसल। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अ मैन एंड डैड डिड ऊबर। ओके, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, एट लास्ट में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो एज वी ऑल नो द मेन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, कहाँ पे? बिटवीन द मदर एंड द फीटस, जो मदर और फीटस के बीच में क्या करेगा? ट्रांसफर का काम करेगा। उसके बाद इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है, एक्सक्रेटरी फंक्शन होता है, न्यूट्रिएटिव फंक्शन होता है, एंडोक्राइन फंक्शन एज वी ऑल नो जो प्लेसेंटा है वो क्या है? प्लेसेंटा इज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है, और इट प्रोड्यूस हार्मोन एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्लेसेंटा है वो क्या करेगा? प्लेसेंटा से क्या बनता है? हार्मोन्स बनता है, ठीक है, इट सीक्रेट हार्मोन्स। फिर वो किसके, वो क्या मेंटेन करेगा? प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद बैरियर फंक्शन, एक बैरियर भी है और एक इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी है इसका, ठीक है। तो ये था प्लेसेंटा के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एमनियोटिक फ्लूड। व्हाट इज एमनियोटिक फ्लूड? तो एमनियोटिक फ्लूड को हम और क्या कह सकते हैं? लिक्योर एमिनी, लिक्योर एमिनी हम इसका दूसरा सिनोनिम है, लिक्योर एमिनी, ठीक है। तो ओरिजिन, अब हम देखेंगे इसका ओरिजिन। द ओरिजिन ऑफ लिक्योर एमिनी इज स्टिल अननोन, मतलब अभी कुछ हमें पता नहीं चला है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूड बनता है कहाँ से बनता है, पर तब भी हम इसे प्रोबेबली अ मिक्सचर ऑफ मेटरनल एंड फीटल ओरिजिन, तब भी हम इसे ये मान सकते हैं कि ये मेटरनल थोड़ा मदर साइड से और थोड़ा फीटल साइड से ओरिजिन, इन दोनों का मिक्सचर से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम, कितना अमाउंट में जो लिक्योर एमिनी या एमनियोटिक फ्लूड रहता है वो रहता है? तो जो लिक्योर एमिनी इज रिलेटेड टू गेस्टेशनल एज, जो इसका वॉल्यूम है, तो गेस्टेशनल एज से रिलेट करता है, मतलब 12th वीक में ये होता है 50 ml, 20 वीक में ये होता है 400 ml, 36 टू 38 वीक में होता है ये 1 लीटर, जो कि पीक लेवल पे पहुंचता है, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज एट टर्म, जो टर्म डिलीवरी होती है उसमें ये कितना होता है? 600 से 800 ml, ओके। अब देखेंगे सर्कुलेशन, किसका? एमनियोटिक फ्लूड का। तो द वाटर इन द एमनियोटिक फ्लूड इज कम्प्लीटली चेंज और रिप्लेस इन एवरी 3 आवर, ठीक है। हर 3 घंटे में जो एमनियोटिक फ्लूड के अंदर जो वाटर होता है वो क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद इसका फिजिकल फीचर में ये अल्कलाइन होता है विद अ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.010, ओके। एंड इसका जो कलर रहता है वो कलरलेस रहता है। फंक्शन, सिर्फ इसका एक ही फंक्शन रहता है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फीटस एंड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ओके। ये क्या करता है? फीटस को प्रोटेक्ट करता है। तो ये था एमनियोटिक फ्लूड के बारे में। अब हम देखेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड? जैसे हमने पिछले बता दिया कि अम्बिलिकल कॉर्ड किससे अटैच रहता है? प्लेसेंटा से और फीटस से, इन दोनों के जो बीच का जो फ्यूनिस, मतलब सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे हम बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द फ्यूनिस, अम्बिलिकल कॉर्ड को हम फ्यूनिस भी बोल सकते हैं, फॉर्म द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फीटस एंड द प्लेसेंटा। ये एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, किस किस के बीच? प्लेसेंटा एंड द फीटस, ठीक है। उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक, इट इज़ अबाउट 10 cm लेंथ एंड डायमीटर 1.5 cm। इसकी जो लेंथ रहती है वो 10 cm रहती है और इसका डायमीटर कितना रहता है?
1.5 सेंटीमीटर एंड इट शोज स्पाइरल ट्विस्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जो घुमाव होता है ये किससे कौन से साइड से होता है, लेफ्ट टू राइट साइड पे. ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड. अब हम कैसे याद करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब किस किस चीज़ से अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है. तो ये निमोनिक हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक हमें रो बनानी है ए बी सी की. ए बी सी जो अल्फाबेट है इनकी हमें क्या बनानी है, रो. तो ये हम देखिए ए बी सी की हमें क्या बनानी है, रो हमने बना ली. ठीक है, ए बी सी की हमने क्या बनानी, रो. फ्रॉम ए इट्स एलेंटॉइस, बी इज ब्लड वेसल, सी इज कवरिंग एपिथीलियम. ठीक है, तो ए से एलेंटॉइस, बी से ब्लड वेसल, सी से कवरिंग एपिथीलियम. ठीक है, एंड फ्रॉम आर इज रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेसल, फ्रॉम ओ इज ऑब्लिट्रेटेड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, एंड डब्ल्यू इज वाटसन जेली. तो इन छः से हम क्या क्या बनता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है. तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, ए बी सी की हमें रो बनानी है. फिर ये आप देख लीजिएगा, ए से एलेंटॉइस, ब्लड वेसल, कवरिंग एपिथीलियम, रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेसल, ऑब्लिटरेटेड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम एंड वाटसन जेली. ठीक है, तो ये था अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में. तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़. थैंक यू.